वेलकम बैक टू मिरेकल यूनिक क्लासेस। मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स ले आया हूँ आपके लिए जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें बहुत ही मुश्किल से ये वर्ड्स मिल पाते हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रे के जीवन में ऐसे शब्दों का जो यूज़ है ना वो उतना नहीं हुआ करता है, लेकिन ऐसे शब्दों की जानकारी होना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नए साल के दूसरे दिन में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ नए नए वर्ड्स, कुछ अनसीन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो जल्दी दिखाई नहीं देते और बड़ी ही मुश्किलों से हमें ऐसे वर्ड्स मिल पाते हैं। तो जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या फिर जब कभी भी किसी टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं और अगर ऐसे शब्दों की जरूरत हमें पड़ जाए तो हम क्या होते हैं, हम वहां पर हक्के बक्के हो जाते हैं और हम वहां पर उस हिंदी शब्द की अंग्रेजी नहीं कर पाते हैं। लेकिन डोंट वरी, आप जिस चैनल पर होना अभी मिरेकल यूनिक क्लासेस चैनल पर, ये आपको कुछ ऐसी वीडियोस देता है जो बाकी लोगों से काफ़ी भिन्न होती है, काफ़ी डिफरेंट होती है और आप लोगों को नई नई जानकारियाँ, कुछ डिफरेंट जानकारियाँ भी देती है और आगे भी आपको ऐसे ही कुछ नई नई जानकारियाँ देती रहेंगी। तो आप मेरे साथ मिरेकल यूनिक क्लासेस चैनल पर MD शाहिद अली के साथ आप बने रह सकते हो और नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हो जो काफ़ी डिफरेंट हो। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं लगभग 11 वर्ड्स और ये 11 वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे, बहुत ही नेसेसरी होंगे और आपकी लैंग्वेज में 4 चांद लगा देंगे अगर ऐसे शब्दों की जानकारी आपने हासिल कर ली। तो देखते हैं उन शब्दों को कि वो कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है एस्किलेट। एस्किलेट, SKILLET, एस्किलेट का मतलब होता है तवा। फिर तवा, तो तवा कौन सा तवा, मैं उस तवा की बात कर रहा हूँ जिस पे रोटियाँ बनाई जाती हैं, यानी जिस पे रोटियाँ पकाई जाती हैं उस तवा की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एस्किलेट और ये बड़ी ही मुश्किल से हमें मिल पाता है ये वर्ड। अब दूसरे की बात करें, स्वीट लाइम। स्वीट लाइम का मतलब होता है मौसम्मी। वैसे लाइम का मतलब अलग से निकालोगे ना तो वो जो खट्टी वाली नींबू आती है, कागजी नींबू जिसकी हम शरबतें बनाया करते हैं, उस नींबू की मैं बात कर रहा हूँ, LIME लाइम। लेकिन जब इससे पहले आप स्वीट लगा दोगे ना, स्वीट लाइम, तो इसका मतलब हो जाता है मौसम्मी। और आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, आप तो खाते भी हो, है ना, गर्मी के सीज़न में। सो उसी मौसम्मी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, स्वीट लाइम, और ये मौसम्मी नहीं होता, ये मौसम्मी हुआ करता है। ओके, अब इसको हम दूसरे शब्दों में भी कहते हैं, एक इजी लैंग्वेज में कहते हैं और एक इजी वर्ड के रूप में इसको कहते हैं, स्वीट ऑरेंज। क्योंकि ऑरेंज मीन्स संतरा होता है, है ना, और संतरे के जैसा ही तो हुआ करता है, इसीलिए लोगों ने इसको स्वीट ऑरेंज का भी नाम दिया है। यानी आप स्वीट ऑरेंज भी कह सकते हो और स्वीट लाइम भी कह सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, गूज़बेरी। गूज़बेरी का मतलब होता है आंवला। आंवला के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, खासकर उसमें ऑयल आया करता है आंवला का, आपने देखा होगा, शायद लगाया भी होगा, है ना, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गूज़बेरी। गूज़बेरी का मतलब है आंवला। लेकिन ये जो आंवला है ना, ये गूज़बेरी जो इसके लिए वर्ड बताया गया है, गूज़बेरी, ये उतना प्रचलन में नहीं है, है ना, लेकिन प्रचलन में आपको ये मिल जाएगा। आप बहुत सारी किताबें देखोगे तो उसमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी अंग्रेजी दी रहती है फिलेंथस एम्ब्लिक। यहाँ पर देखने में एम्ब्लिका जैसा लगता है, लेकिन ये एम्ब्लिका नहीं है, ये एम्ब्लिक है, यानी फिलेंथस एम्ब्लिक। और इसको अप्रचलित जो वर्ड है वो इसका है गूज़बेरी। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, ब्लू वाटर लिली, नीलकमल। इसके बारे में तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो कि नीलकमल किसे कहते हैं। ओके, तो ब्लू वाटर लिली को हम कहते हैं नीलकमल। अब बात करते हैं 5वें की, पॉइंटेड गुअर्ड। पॉइंटेड गुअर्ड का मतलब है परवल, जिसे हम भोजपुरी भाषा में बहुत सारे लोग, बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, खासकर बिहार के रहने वाले लोग इसे पट्टर कहा कहते हैं या परोर भी कह दिया करते हैं। लेकिन पट्टर और परोर दोनों भोजपुरिया वर्ड हैं, यानी ये भोजपुरी के वर्ड्स हैं, इसका सही और करेक्ट नाम है परवल। लेकिन परवल की जो अंग्रेजी मैंने अभी बताई आपको, पॉइंटेड गुअर्ड, ये सिर्फ आपको, कहने का मतलब है ये आपके लिए उतना फेमस नहीं है या किताबों में आपको ये बहुत ही कम दिखाई देता है। अगर ज़्यादा दिखाई देने वाला कोई वर्ड है इसका तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो आपको दिखाई दे सकता है और वो है ट्राइकोसेंथेस डिओइका। ट्राइकोसेंथेस डिओइका, ट्राइकोसेंथेस डिओइका, ये जो वर्ड है परवल के लिए काफ़ी फेमस है, आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी। लेकिन पॉइंटेड गुअर्ड जो है ये बड़ी मुश्किल से किताबों में नज़र आती है। ओके, अब हम बात करते हैं 6 की, सीडर। ये देखने में सीडार जैसा है, लेकिन ये सीडार नहीं है, दिस इज सीडर। और सीडर का मतलब होता है देवदार। देवदार के पेड़ आपने देखे होंगे, इसके बारे में भी मुझे डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो कि देवदार क्या है। देवदार किसी पेड़ के बारे में मैंने बोला है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 7, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई का मतलब होता है जुगनू, जिसे भोजपुरी की भाषा में हम कहते हैं भगजोगनी,
है ना, भाग्यजोगिनी, कुछ अजीब सा लगता है प्रोनाउंस करने में, लेकिन अजीब से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आपको समझ में आ जाए, है ना। मैं भी बिहार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए बाकी के जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं या बिहार के लोग हैं, मैं ये भोजपुरी के शब्दों को इसलिए इंडिकेट करता हूँ ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ में ये बात आ सके। तो इसे भोजपुरी भाषा में हम भगजोगनी कहते हैं, लेकिन हिंदी की भाषा में इसे हम जुगनू कहते हैं। और इसका जो प्रचलन में आने वाला वर्ड है वो है ग्लो वॉर्म। ग्लो वॉर्म का मतलब होता है जुगनू यानी भगजोगनी। अब बात करते हैं आठवें की, हॉक कक्कू। वैसे इन दोनों का अलग से भी मतलब होता है, कक्कू का मतलब होता है कोयल और हॉक का मतलब होता है बाज। यानी ये जो पपीहा है ना, पपीहा की जो इंग्लिश बनाई गई है हॉक कक्कू, इसमें दो पंछियों के नाम है, एक कोयल और एक बाज, और दोनों को जब एक बार में मिला दोगे ना आप तो ये बन जाएगा पपीहा, यानी हॉक कक्कू का मतलब पपीहा। अब हम नाइन्थ की बात करते हैं, अशोक। अशोक का भी पेड़ आपने देखा होगा, बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो अशोक के पेड़ को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पॉलीएल्थिया, पॉलीएल्थिया, इसको आप प्रोनाउंस करोगे पॉलीएल्थिया यानी अशोक। अब बात करते हैं दसवें की, अफीम। आपने फिल्मों में, सिनेमाओं में अपने अक्सर ड्रग्स, अफीम, चरस के बारे में सुना होगा, उसी अफीम की बात कर रहा हूँ, जो एक नशीली पदार्थ है, बहुत ही ज़्यादा महंगी रेट में बेची जाती है ना। तो उसकी अंग्रेज़ी होती है पॉपी, POPPY, पॉपी का मतलब होता है अफीम। अब सबसे अंतिम वर्ड है आज का हमारा इस वीडियो का, वो है पेरीविंकल। पेरीविंकल का मतलब होता है सदाबहार, ये भी एक पेड़ हुआ करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हुआ करता है। तो सदाबहार को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीविंकल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और ऐसे शब्दों की तलाश हमें दिन प्रतिदिन रहती है या हर दिन रहती है, या कभी कभी तो हम सोचते हैं कि ऐसे शब्दों की अंग्रेजी हम कैसे ढूंढें, कैसे फाइंड आउट करें। लेकिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ, ऐसी ऐसी वीडियोज़ दूंगा जो आपकी अंग्रेज़ी को काफ़ी इम्प्रूव करेगी और आपकी अंग्रेज़ी को स्प्लेंडिड भी बनाएगी, एजुकेटिव भी बनाएगी और अट्रैक्टिव भी बनाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना या ना करना, सब्सक्राइब भी करना या ना करना, आपकी मर्ज़ी है, बट शेयरिंग तो ज़रूरी है, शेयर ज़रूर करना, बाकी उन लोगों तक पहुँचाना जिनको ऐसे वर्ड्स की सख्त ज़रूरत रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, इन्जॉयफुल हो, और नए साल में आप नई शुरुआत करें।